नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आरुई मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। देवर जेठ सहित चार परिजनों ने किया महिला का बलात्कार। अपराधी पति के जेल में बंद होने का नजायज फायदा उठाकर विवाहित से देवर और जेठ सहित चार लोगों द्वारा बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। करीब 3.5 माह बाद महिला ने मामला दर्ज कराया है। गिट्टी खदान पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। 30 वर्षीय महिला पहले अजनी थाना परिसर में रहती थी। उसका पति आपराधिक प्रवृत्ति का है, वह जेल में बंद है। महिला हाल में गिट्टी खदान थाना परिसर में रहती थी। आरोपी देवर भी इसी परिसर में रहता था। उनकी महिला से नियमित बातचीत होती थी, यह मांगने के लिए भी आता था। घटना 13 जून को आरम्भ हुई। जेवरात एवं महिला के बगल में आकर सो गया। उसे देवर महिला ने शोर मचाया। उस वक्त भी खिड़की से झांककर देख रहा था। उसने महिला पर बड़े भाई से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। महिला को धमकाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालना, पति के जेल में होने से महिलाओं का भी विरोध नहीं कर पाई, जिसके बाद दोनों ही भाई महिला का शोषण करने लगे। कुछ दिन बाद महिला तथा आरोपी के परिचित 2 युवकों को भी घटना का पता चला। वह भी महिला को धमकी देकर शरीर की मांग करने लगा। बदनाम करने की धमकी देकर वह भी जबरन महिला का बलात्कार करने लगा। 3.5 माह से महिला शोषण का सामना कर रही थी। शहरवासियों को त्योहारी मौसम में बिजली दे रही धोखा। कब्रिस्तान रोड सहित पूरे मोमिनपुरा में 3 दिन पहले करीब 5 घंटे के लिए बिजली गुल रही। बंजारी नगर मेडिकल चौक रामबाग में बिजली का आना जाना लगा हुआ है। वहां के झंडा चौक एवं गणेशपुर थाने के आसपास के इलाके में घंटों अंधेरा में शहर के अन्य कई इलाकों का भी यही हाल है। कुछ मिलाकर त्योहारी मौसम के बिजली ग्राहकों को धोखा दे रही है, लोग परेशान हैं। उधर महावितरण केबल फूटने एवं मेंटेनेंस की समस्या का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ने में जुटा हुआ है। वैसे महावितरण के लिए शहर में जारी विकास कार्य भी बड़ा समस्या उभर रहे हैं। अंडरग्राउंड केबल होने की वजह से सड़कों की खुदाई में अक्सर उनके घुटने के सामने आ रहे केबल की मरम्मत के लिए आवश्यक वाहन भी अक्सर उपलब्ध नहीं हो पाते। नतीजा घंटों अंधेरा छाया रहता है। महावितरण के बार बार के अनुरोध के बाद भी तमाम विकास एजेंसियों में समन्वय स्थापित नहीं हो रहे। अतः उधर बुधवार लोगों के लिए समस्या का हल का हर है। इन दोनों के नाम पर घंटों के लिए आपूर्ति की जा रही है। खास तौर पर इन इलाकों के जगह बिजली हानि अधिक है, लेकिन वही भी कोई बड़ा काम होता नहीं दिख रहा है। तो लोग कहने लगे हैं कि महावितरण हर्षदा मेंटेनेंस के नाम पर घंटों लोडिंग कर रहा है। उधर अधिकारियों का कहना है कि मौसम के अचानक करवट बदलने की समस्या खड़ी हो रही है। कंपनी वितरण प्रणाली को दुरुस्त कर रखने में जुटी हुई है। शिकायत नहीं होंगी मानकर बैठे थे लुटेरे। हवाला व्यापारी द्वारा शिकायत दर्ज नहीं करने का भरोसा होने से वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने सूत्रधार सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 70,000 रुपये बरामद किए। 27 सितंबर की रात इतवारी के अनाज बाजार सितारा चैम्बर के सामने वह वाला व्यापारी कमल भाई के कर्मचारी भारत चावड़ा को जख्मी करके 20,000 रुपये लूट गए थे। क्राइम ब्रांच ने इस गुत्थी को सुलझा कर देने वाले अर्थ अक्सर तथा सूत्रधार मुद्दे सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर काफ़ी समय से व्यापारी पर काम कर रहा है। वह फल की नकदी लेकर इतवारी के हवाला व्यापारियों के पास आता है। बीच में कुछ दिन बेरोजगार भी था। इसी दौरान उसे हवाला के व्यापारी के कर्मचारी को लूटने की नज़र आए। इस पार्ट तथा उसके मालिक की जानकारी दी थी, जो उसने बताया कि हमारा व्यापारी के कर्मचारों को कोई मर्तबा लूटा गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक कर कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहे एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।